नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग बजट पर चर्चा कर रहे थे और इसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम लोग बजट के कुछ और पहलुओं का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, जिससे इस बृहद जो है टॉपिक को जो है समझने में मदद मिलेगी। चूंकि बजट इकोनॉमी के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक है जिससे अर्थव्यवस्था के काफी कुछ पक्षों और पहलुओं का जो है विश्लेषण किया जाता है। काफी कुछ पक्ष और पहलू इससे संबंधित होते हैं। देश के आय वर्ग, उद्योग धंधे, कॉर्पोरेट सेक्टर, सभी पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में पता चलता है। इसलिए यह बहुत ही बृहद टॉपिक है, तो बजट से संबंधित काफी कुछ जो है पक्ष और पहलुओं का हम लोग जो है क्रम से जो है विश्लेषण करेंगे। तो इसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम लोग बजट की स्थिति, या ये कहा जाए कि बजट जब बनता है तो उसमें अधिक की स्थिति होती है, या बजट घाटे का बनता है, कितने प्रकार के घाटे हो सकते हैं और उससे निपटने के लिए सरकार क्या क्या उपाय करती है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो बजट एक थोड़ा सा ये टॉपिक भी या ये विषय ही टेक्निकल है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो एक बजटरी पॉलिसी या जिसको राजकोषीय नीति कहा जाता है, और दूसरा जो है मौद्रिक नीति जो इसके बाद हम लोग लेंगे, तो इन दोनों ही चैप्टर्स को बहुत ध्यान से समझने और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये इकोनॉमी का आधार है। तो जैसे जब किसी भी देश का बजट बनता है तो या तो सरकार की प्राप्ति और व्यय, यानी संपूर्ण प्राप्तियों और संपूर्ण व्यय का जो अंतर होता है, या तो प्लस में होता है या तो माइनस में होता है। यदि जो है संपूर्ण प्राप्ति में से व्यय को घटाने के बाद जो है अगर प्लस में है बजट, तो वो बजट जो है अधिक कहलाता है। उसको जो है बजट अधिक अगर जो प्राप्ति सार्वजनिक रूप में सार्वजनिक प्राप्तियां हो रही हैं और सार्वजनिक व्यय में से जो है अगर घटाया जाए सार्वजनिक दोनों को आपस में, यानी कि सार्वजनिक प्राप्ति में से सार्वजनिक व्यय को, और प्लस में आता है यानी कि हमें प्राप्ति ज्यादा हो रही है, तो बजट अधिक का होता है, और यदि माइनस में आ रहा है तो घाटे का बजट होता है। घाटे का बजट होता है। यहां पर यह भी एक सवाल उठता है कि किसी भी देश के लिए घाटे का बजट सही होता है या आधिक्य का बजट सही होता है। दोनों ही प्रश्नों का एक सापेक्षिक उत्तर होता है कि प्रत्येक स्थिति में जो है आधिक्य का बजट क्या सही होता है, ऐसा नहीं है। अगर कुछ सीमा तक घाटे का बजट होता है तो इकोनॉमी जो है उसको कवर करने का जो प्रयास करती है, और इसके चलते जो है राजस्व प्राप्ति और विकास के उच्च लक्ष्य को जो प्राप्त करना संभव होता है। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा, एक सीमा से आगे जाकर के जो है बजट घाटे का होता है, तो इसे पूरा करना जो है संभव नहीं होता। राजकोषीय अनुशासन के विरुद्ध माना जाता है, यानी कि राजकोषीय घाटा बढ़ता है और उसको पूरा करने के लिए सरकार को अन्य कई उपाय करने पड़ते हैं, जो कि आगे हम लोग अभी इसको समझने का जो प्रयास करेंगे। तो ये बजट की स्थिति जो है अगर संपूर्ण आय और संपूर्ण व्यय के तुलना के आधार पर हो, तो बजट अधिक और घाटे का बजट जो है ये दो प्रकार की स्थिति होती है। घाटे का बजट प्रत्येक स्थिति में जो है वो देश के लिए हानिकारक ही नहीं होता है, बल्कि यदि एक निश्चित सीमा तक हो तो वो देश के विकास का एक आधार भी बन सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था उसको पूरा करने का अगर प्रयास करती है तो निश्चित तौर पर जो है देश में आर्थिक गतिविधियां सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगी और इससे जो है देश का विकास होगा। तो कुल मिलाकर के एक निश्चित सीमा तक घाटे का बजट सही होता है, लेकिन यदि एक निश्चित सीमा से ज्यादा बजट अगर घाटे का होता है तो उसको पूरा करना जो संभव नहीं होता है। पूंजी खाते से जो है उसकी पूर्ति की जाती है, घाटे की वित्त व्यवस्था या आज की डेट में अर्थोपाय अग्रिम के माध्यम से उसको पूरा किया जाता है। अभी हम उसको इन सब टेक्निकल टर्म को जो समझने का आगे प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बजट की स्थिति दो रूपों में जो है होती है। अब ये समझना है कि किसी भी देश का जो है बजट सामान्यतः घाटे का ही बनता है, या भारत के संदर्भ में लिया जाए तो ज्यादातर बजट घाटे का ही होता है। तो घाटे का बजट क्यों होता है? जैसे संपूर्ण प्राप्ति और व्यय के जब हम सेक्शन को समझ रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो प्राप्ति होती है उसमें पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां होती हैं। इसी तरीके से व्यय में भी जो है पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय होता है, और इसको खाते के रूप में हम लोगों ने दो भागों में भी विभाजित कर दिया गया था बजट को, तो राजस्व बजट और जो है पूंजी बजट के रूप में, जो है पूंजी बजट या पूंजी जो है खाते के रूप में इसको हम लोगों ने विभाजित कर दिया। पूरा ये दोनों ही जो है आय और व्यय के रूप में होती है, यानी कि राजस्व आय और राजस्व व्यय होता है, यानी कि आय
और व्यय। इसी रूप में यहां पे भी जो है आय और व्यय। अब आय और व्यय का मतलब यहां पर पूंजी आय से है, पूंजीगत आय से और पूंजीगत व्यय से है, यहां पर राजस्व आय और राजस्व व्यय से है। अब एक देश के लिए जो राजकोषीय अनुशासन की व्यवस्था होती है उसमें देश को राजस्व आय जो हो रहा है उसी राजस्व आय से वहां के राजस्व व्यय को पूरा करने का प्रयास होना चाहिए या एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी देश के द्वारा राजस्व जो आय प्राप्त हो रहा है उसकी तुलना में राजस्व व्यय और गैर योजनागत व्यय, ऐसा व्यय जिससे सरकार को कोई प्राप्ति नहीं होती है या कोई भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है तो उसे जो है गैर योजनागत व्यय कहा जाता है या राजस्व व्यय। तो अगर गैर योजनागत व्यय और राजस्व व्यय ये दोनों जो है ज्यादा इस एरिया में ज्यादा जो है बजट खर्च हो रहा है तो ये राजस्व जो बजट होगा जिसे अगर सामान्य रूप से दो भागों में बांट के देखा जाता है तो ये राजस्व घाटे का बजट बन जाता है जो कि राजकोषीय अनुशासन के विरुद्ध होता है। तो इस घाटे को पूरा करने के लिए पूंजी बजट से जो है बजट प्राप्त किया जाता है ताकि दोनों में जो है बैलेंस बना रहे। और चूंकि पूंजी बजट जो है जहां पे प्राप्ति हो रही उससे सरकार की देयता में वृद्धि होती है और सरकार को भविष्य में भुगतान करना होता है। और चूंकि अगर पूंजीगत जो बजट है वहां के आय को हम यहां पे खर्च कर देंगे तो यहां तो कोई भौतिक और वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण होगा नहीं, दूसरी तरफ यहां पे सरकार की लायबिलिटी भी बनेगी। तो ऐसी स्थिति में जब यहां का धन यहां पे हम लोग खर्च करेंगे तो निश्चित तौर पर यहां ये भी जो है जो विकास के लिए जो योजनाओं पर खर्च होने वाली धनराशि थी बजट थी जिससे कि देश में भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा था, सड़कें बन रही थी, विभिन्न प्रकार के जो है बंदरगाह बन रहे थे या इसी तरीके से जो भी भौतिक रूप में किसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था वो काम नहीं हो पाएगा जिससे कि फ्यूचर में सरकार को कोई इनकम हो सकती थी। तो इसलिए राजकोषीय जो है घाटा यहाँ पे बढ़ने लगेगा क्योंकि राजकोषीय घाटे का मतलब इसको जो पूरा करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं से जो है एक व्यवस्था बनाने का प्रयास करना होगा। तो कुल मिलाकर के जो है ये चीज समझ में आएगी। अब यहाँ पे राजस्व और गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत क्या चीजें सम्मिलित होती थी, जैसे सरकार के द्वारा जो है रक्षा के नाम पे सब्सिडी के नाम पे बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है। अगर सब्सिडी सरकार के द्वारा जो है बहुत ज्यादा दिया जा रहा है किसी क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर वहां से तो सरकार को कोई प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन इस घाटे को पूरा करने के लिए उस धनराशि का हम प्रयोग कर लेंगे जो कि योजनाओं के नाम पर जो है योजनाओं के लिए खर्च किया जा सकता जिससे कि देश का विकास हो सकता था। तो इस कारण से जो है यहाँ पे जो है खर्च ज्यादा होने के कारण से ये जो है बजट घाटे का जो है बनता है, राजस्व घाटा हो जाएगा पुनः उसके बाद जो है बजट घाटे का जो बन जाएगा। तो इन सभी बातों को समझना है। अब जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में या एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश जो कि काफी जो है पिछड़े हुए हैं या देश को बाद में आजादी मिली है जहां पर पूंजी और तकनीक नहीं है तो वहां पे प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को गतिशील नहीं किया जाता है और ऐसी स्थिति में संसाधनों का जो कुशलतम उपयोग ना होने के कारण से देश जो है पीछे रह जाता है। तो वहां लोगों के विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम को संचालित करना पड़ता है जहां पर जो व्यय हो रहा है वो गैर योजनागत और राजस्व व्यय के रूप में जो आएगा। राजस्व व्यय में जैसे विभागों के संचालन में या विभिन्न विभागों में रह रहे कर्मचारियों के वेतन इत्यादि मद पर जो है काफी सरकार को खर्च करना पड़ता है और यदि यह एक निश्चित सीमा से आगे जाता है तो इस राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए हमें इस पर निर्भर होना पड़ता है और निश्चित तौर पर ये जो घाटा है वो देश के विकास में जो है बाधा बनता है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा कि घाटे का बजट जो है क्यों बनता है, जो है क्यों किसी देश का बजट जो घाटे का हो जाता है। तो इन सभी कारणों से जो है देश में जो बजट है वो घाटे का जो बनता है। अभी इसके आधार पे कुछ घाटे के प्रकार होते हैं उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से घाटे का बजट होता है। जैसे एक तो यह है कि राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय जो है यह राजस्व घाटा होता है। अब
अब इसमें जो है दूसरा है राजस्व घाटा, में जो है उधार प्लस अन्य देयताएं अगर जोड़ दी जाती हैं, उधार प्लस अन्य देयताएं, तो ये जो है राजकोषीय घाटा हो जाता है। राजकोषीय घाटा। अब यहां पे राजस्व घाटा तो आपको समझ में ही आ गया क्यों आता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि राजस्व पर गैर योजनागत खर्च पर जो है ज्यादा भार अगर बढ़ता है तो यह राजस्व जो है आया और इसका अंतर जो है यह राजस्व घाटे के रूप में आता है। अब राजस्व घाटा तो आप लोगों ने समझ लिया, यहां पर उधार प्लस अन्य देयताओं से क्या तात्पर्य, सरकार के द्वारा जो है आंतरिक उधार जो आरबीआई के द्वारा और विदेशी स्रोतों से अगर कोई भी उधार लिया है तो उसके जो है अगर भुगतान को इसमें जोड़ दिया जाएगा कि सरकार पे उस एक लायबिलिटी है उसको भी सरकार के द्वारा भुगतान किया जाना है तो वो जो है राजकोषीय घाटा बनता है। अन्य देयताओं के अंतर्गत जो है सरकार कुछ ऐसे आय प्राप्त करती है जो सरकार का तो नहीं होता है किंतु वह जो है सरकार अपने पास रखती है, जैसे कि जब 266 अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत हम लोगों ने सार्वजनिक खाता का उल्लेख किया था जिसमें सरकार का धन नहीं होता है लेकिन वो सरकार अपने पास रखती है, यद्यपि उसका भुगतान करने के लिए संसद के द्वारा कोई कानून या उसकी अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। इसके अंतर्गत जो है किसान विकास पत्र है, KVP है, इसके बाद NSC है, GIS है, GPF है, PPF के ये सारी खातों के पैसे जो है रखे जाते हैं और एक निश्चित समय के बाद उसका भुगतान करना पड़ता है। तो यह जो है उधार और अन्य देयताओं के रूप में बातें समझ में आती हैं। एक तो राजस्व घाटा हो ही जाता है और उधार जो अन्य देयताएं जोड़ देंगे तो वो जो है राजकोषीय घाटा या फिजिकल डिफिसिट के नाम से इसको जाना जाता है, फिजिकल डिफिसिट हो जाता है। अब इसी में एक और है कि राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे में से अगर हम ब्याज की अदायगी को घटा देते हैं, ब्याज की अदायगी को घटा देते हैं तो ये जो है प्रारंभिक घाटा हो जाता है। एक्चुअली यहां से भी जो है प्रारंभिक परीक्षा में कई बार सवाल पूछ लेते हैं, या कुल मिलाकर के बजट के विभिन्न आयाम और विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को समझने के लिए इन विभिन्न घाटों को भी जो समझना आवश्यक है, इसलिए ये चीज जो है समझ लेना आप लोगों के लिए जरूरी होगा। और चौथा है राजस्व घाटा में से, राजस्व घाटे में अगर हम तकनीकी विकास के लिए जो अनुदान दिए जा रहे हैं, तकनीकी विकास सब्सिडी या अनुदान, अनुदान को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो चार प्रकार के जो ये घाटे हैं जहां से भी सवाल जो है परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने बजट स्थिति के अंतर्गत ये देखा कि किसी भी देश का बजट या तो अधिक का बनता है या तो घाटे का बनता है, और इन दोनों ही स्थिति में जो है घाटे का बजट सामान्यतः देश का होता है, तो घाटे के बजट होने के पीछे रीजन क्या है उसका हम लोगों ने विश्लेषण किया और पुनः ये देखा कि घाटे के प्रकार यानी कि कितने प्रकार के जो घाटे हो सकते हैं इस चीज को देखा। अब सरकार के द्वारा इन घाटों से निपटने के लिए, क्योंकि सरकार को तो इस तरीके से बजट की व्यवस्था करनी ही है कि सरकार के समक्ष जो भी योजनाएं कार्यक्रम और जो भी राजस्व व्यय हैं, गैर योजनागत व्यय हैं, योजनागत व्यय हैं, इन सभी को जो है पूरा किया जा सके, तो उसके लिए बजट की व्यवस्था की जाती है और उसी को हम लोग जो है यहाँ पे उपाय के अंतर्गत जो है देखते हैं। अभी उपाय के रूप में जो है एक जो है 1997 से जो है पूर्व की जो है व्यवस्था थी कि जो है पूर्व की व्यवस्था थी और एक जो है 1997 के जो है बाद की जो है व्यवस्था है। इसके पूर्व में जो है घाटे की वित्त व्यवस्था
भले ही जो है वर्तमान समय में न चल रही हो, लेकिन ऐसे तकनीकी शब्दों को जो समझना आवश्यक है, घाटे की वित्त व्यवस्था, हीनार्थ प्रबंधन, ये व्यवस्था जो है प्रचलन में थी, डिफिसिट फाइनेंसिंग जिसको कहा जाता है, यानी कि सरकार अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए जो है या तो जो है मुद्रा की छपाई कर लेता था, या तो अस्थाई ट्रेजरी बिल के माध्यम से जो है वो आरबीआई के द्वारा 90 दिनों के लिए ऋण ले लेता था। यह व्यवस्था जो घाटे की वित्तीय व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन के नाम से जो है डिफिसिट फाइनेंसिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1997 के बाद जो है एक और व्यवस्था अर्थोपाय अग्रिम की जो है प्रारंभ कर दी गई, अर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था की गई, इसे WMA के नाम से भी जाना जाता है, बेज एंड मीन्स एडवांसेस, यानी कि अर्थोपाय अग्रिम के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान समय में सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की बात जो है करता है। इसके अंतर्गत जो है सरकार और आरबीआई के मध्य एक निश्चित धनराशि के लिए और एक निश्चित समय तक के लिए जो एक समझौता होता है, और सरकार उतनी धनराशि जो है उससे ऋण के रूप में जो है प्राप्त कर लेती है, और इन जो है ऋणों पर जो है रेपो रेट के बराबर जो है ब्याज इनको देना पड़ता है, और रेपो रेट वह दर होती है जिससे जो है आरबीआई अपने वाणिज्यिक बैंकों को जो है अल्पकालीन ऋण देता है, जिस दर पर अल्पकालीन ऋण देता है वही दर होती है। और चूंकि ये सरकार को भी जो है ऋण ही दे रही है एक तरीके से, तो यह रेपो रेट के दर पर जो है उससे ब्याज जो है प्राप्त कर लेती है। ये व्यवस्था होती है अर्थोपाय अग्रिम की, जो कि सरकार और आरबीआई के बीच में एक समझौता होता है एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित धनराशि के लिए, जिस पर रेपो रेट की दर से जो है ब्याज दर देय होता है। लेकिन यदि सरकार इस धनराशि से अधिक की जो धनराशि की निकासी या आहरण करता है तो उसे जो है अधिविकर्ष कहा जाता है, ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, अधिविकर्ष कहा जाता है, जिसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। अब जब चूंकि एक निश्चित समय एक निश्चित धनराशि के लिए समझौता हुआ है और आरबीआई के साथ जो समझौता हुआ है उससे ज्यादा की धनराशि की का आहरण जो है सरकार कर रही है, तो इस रेट से भी जो है 2% जो है अतिरिक्त जो है ब्याज दर का जो भुगतान सरकार को करना पड़ता है आरबीआई को, क्योंकि वह जो है समझौते की धनराशि से ज्यादा धनराशि का आहरण कर रही है ताकि वो अपने घाटे की व्यवस्था को पूरा कर सके। तो ये व्यवस्था होती है हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्तीय व्यवस्था, और 1997 के बाद जो है आई हुई मीन्स बेज एंड मीन्स एडवांसेज यानी कि अर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था। तो ये घाटे की वित्तीय व्यवस्था को पूरा करने के लिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था अर्थोपाय अग्रिम के माध्यम से जो धनराशि या जो ऋण लेता है उसे सरकार के उस वित्तीय वर्ष के निबल उधारी में नहीं जोड़ा जाता है, और ना ही इसे जो है वित्त के स्रोत के रूप में स्थायी रूप में जाना जाता है जोड़ा जाता है। इसीलिए जो है इसको बजट के अनुमान में सम्मिलित भी नहीं किया जाता, किसको, अर्थोपाय अग्रिम को, जो कि 1997 से जो है चल रहा है। तो इकोनॉमी को पढ़ने के दौरान एक चीज ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है, जो कि उसके टेक्निकल टर्म है, उस टेक्निकल टर्म को जो है आप लोग बोलने का, अपने मित्रों के साथ बातचीत करने के दौरान उसको प्रयोग करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितनी भी बार उन टर्म्स का आप प्रयोग करेंगे वो आपके एक जो है स्टडी और प्रिपरेशन के कल्चर में सम्मिलित हो जाएगी, और आपको परीक्षा में लिखने में या मेंस में या अगर इकोनॉमी से संबंधित कोई निबंध आता है तो उसमें प्रयोग में लाने में या साक्षात्कार में जो है बताने में उत्तर में आपका मदद करेगा, और आपके जो तैयारी का स्टैंडर्ड है उसको ऊपर रखेगा। तो इसलिए ये जो टर्म आ रहे हैं जैसे बजट, घाटे का बजट, आधिक्य बजट, अर्थोपाय अग्रिम, हीनार्थ प्रबंधन, ये सारे टर्म्स को आपको जो समझना है, या जो घाटे के विभिन्न प्रकार जैसे बजट घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ये सब सभी टर्म्स को हम लोगों ने आज की इस लेक्चर में संक्षिप्त रूप में जो सम्मिलित किया। अभी भी बजट के कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, जैसे करारोपण की व्यवस्था, क्योंकि इसमें कर जो प्राप्ति होता है वो करारोपण के रूप में होता है। करारोपण सरकार का एक जो है माध्यम है, एक युक्ति है जिसके द्वारा वो आय प्राप्त करती है, और कुछ महत्वपूर्ण जो है करों के बारे में देखेंगे,
अभी हाल में जीएसटी आया हुआ है, इसकी भी हम लोग जो चर्चा करेंगे। तो इस सभी लेक्चर को अगले, इन सभी जो है विषयों को हम अगले लेक्चर में जो समेटेंगे। तब तक के लिए कुछ टेक्निकल टर्म होने के कारण से हम संक्षिप्त रूप में आगे चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को जो समझने में कठिनाई और समस्या ना हो सके, आसानी से आप लोग जो समझ सकें। तो आज के इस लेक्चर में जो संक्षिप्त रूप में इतना ही। अगले लेक्चर में पुनः हम समझते हैं कि अगले लेक्चर में इस टॉपिक को जो हम लोग कवर कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे, ताकि हम लोग जो मौद्रिक नीति पर चल सके। तो अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा में आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर जो कमिटेड होकर के आप लोग बढ़ने का प्रयास कीजिए। पुनः अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।